इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको पी ए इक्वल टू पी बी ये दे दिया गया है, तब आपको सो दैट करना है कि ए सेट जो है वो इक्वल टू होगा बी सेट का, ये आपको दिया गया है और ये आपको सो दैट करना है। तो ए इक्वल टू बी यानी कि जब कभी भी दो सेट को इक्वल टू करना हो, हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले कि सेट ए को दिखा देते हैं कि ये बी का सबसेट है, पहला। दूसरा काम कि बी ए का सबसेट है, ये इसका है सबसेट, ये इसका है सबसेट, और दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा। चलिए सबसेट दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एलिमेंट एक्स है और वो मेरा सेट ए में है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये मैं छोटी एक्स लिख रहा हूँ, एलिमेंट है ये, और वो एलिमेंट मेरा सेट ए का एलिमेंट है। तो एक्स जो है वो एलिमेंट है मेरा सेट ए का, देन देयर एग्जिस्ट सबसेट ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। तब जो है अगर एक्स उसका एलिमेंट होगा तो कैपिटल एक्स जो है वो ए का सबसेट होगा, यानी कि एक्स जो है वो सबसेट होगा सेट ए का। नहीं समझ पाए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हम एक सेट ले लेते हैं वन और टू का। तो यहाँ पर क्या है भाई कि वन जो है वो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये जो होगा वो सबसेट होगा सेट ए का। इसका अगर सबसेट अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, वन लिखेंगे, टू लिखेंगे, और वन और टू लिखेंगे। तो वन तो इसका सबसेट है ना, तो वन इसका एलिमेंट था, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर में अगर वन है तो वो उसका सबसेट है। तो इसी को मैं छोटी एक्स और इसको मैं बड़ी एक्स कैपिटल एक्स दैट इज से दिखा रहा हूँ। तो बड़ी एक्स जो है वो सबसेट होगा सेट ए का, और अगर एक्स सबसेट होगा सेट ए का तो वही एक्स मेरा एलिमेंट होगा पावर सेट का, वही एक्स मेरा एलिमेंट होगा पावर सेट का, यानी कि वही एलिमेंट वही हाँ वही सबसेट मेरा एलिमेंट होगा पावर सेट बी का। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पी ए जो है वो इक्वल टू पी बी है, और जब ये दोनों इक्वल है तो पी ए के जगह में हम पी बी रख सकते हैं। और अगर एक्स अगर पी बी में होगा तो x सबसेट होगा b का, ठीक है। और अगर x सबसेट होगा b का तो फिर x जो है वो एलिमेंट भी होगा सेट b का, तब x मेरा एलिमेंट भी होगा सेट b का। अब x हम सेट a में माने थे और मैंने दिखा दिया x कहाँ, सेट b में, मैंने इसको दिखा दिया सेट b में। तो जिसमें माने थे तो मैंने सेट ए में माना था और बी में दिखा दिया, तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, ठीक है। और सिमिलरली बी भी सबसेट हो जाएगा ए का, सिमिलरली इसी तरह से बी भी जो है मेरा सबसेट हो जाएगा ए का, क्योंकि इस बार हम लोग एलिमेंट मानेंगे बी में, फिर जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ केवल बी कर देना है, यहाँ बी में मानेंगे तो x मेरा सबसेट होगा b का, फिर मेरा x जो है वो पी ए में सॉरी पी बी में होगा, तो फिर वो मेरा पी ए में होगा, फिर वो मेरा a में होगा सबसेट, तो फिर वो मेरा a में होगा, यानी कि b जो है वो सबसेट हो जाएगा a का। तो यहाँ से हमको पता चला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों को ये पता चला कि a जो है वो इक्वल टू b है। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by.